हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रही हूँ जो आपके घर में खुशियाँ लाएंगे, शांति बनाए रखेंगे और पैसों की बरकत बनाए रखेंगे। तो ये टिप्स कुछ मैं भी फॉलो करती हूँ और आपको भी बताऊँगी, जिससे कि आपके घर में खुशियाँ बनी रहें, पैसों की बरकत हो और शांति बनी रहे। तो देखिए कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको पसंद आए तो ज़रूर करिएगा, और बिल्कुल सरल से टिप्स हैं ये जो हर गृहिणी कर सकती है। तो देखिए आगे वीडियो में। तो सबसे पहले तो हमें उठ के और अपने हथेलियों का दर्शन करना है। इसमें कहते हैं सारे ही भगवान हथेली में होते हैं हमारे, तो हथेली का ही आप दर्शन करें और फिर दूसरे भगवान का दर्शन कर लें, अपने घर में जो भी तस्वीर लगी है। रात को हमें एक लोटा पानी या तो बाल्टी में भर के रखें या तो हम किसी लोटे में भर के धरें और उस पानी को अपने पौधों में डाल दें। तो इस तरह से आपके जो घर की सारी पॉजिटिविटी है वो चली जाएगी। किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं, तुलसी में, किसी भी पौधे में, क्योंकि आप पहले नहा लें और फिर डालें इसको। नमक को हमेशा कांच के जार में भर के रखें और उसके बाद उसमें 2 लौंग डाल दें। तो लौंग 2 जो होगी वो फूल वाली लौंग होगी, टूटी फूटी लौंग नहीं डालें। इससे आपके घर में खुशियाँ बनी रहेंगी, पॉजिटिविटी रहेगी। तो नमक को हमेशा कांच के जार में भर के रखें। एक प्याले में, कांच के प्याले में आप थोड़ा सा नमक लेके अपने घर के जो मेन द्वार है आपके घर का, उसमें छुपा के कहीं रखते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ किसी को दिखाई नहीं दे। तो मेरे यहाँ तो ये मेन गेट है और यहाँ पर एक खिड़की है, इसमें मैं रख देती हूँ पर्दे के पीछे, जिससे कि क्या है किसी को दिखाई नहीं देता है और घर की जो भी नेगेटिविटी है वो नमक ले लेता है। घर में हमेशा अगरबत्ती जला के रखें, जिससे कि आपके घर में क्या सुगंधित रहेगा आपका घर और खुशबू बनी रहेगी। तो भगवान ऐसे, भगवान के मंदिरों में हम अगरबत्ती, धूप इसीलिए तो जली रहती है और हमें उस वो वातावरण बहुत अच्छा लगता है जब हम मंदिर जाते हैं। तो घर में भी एक वातावरण मंदिर सा बना रहेगा और घर में खुशियाँ बनी रहेंगी। तो अगरबत्ती जला के ज़रूर रखें, धूप अगरबत्ती जला के आप अपने घर में रखें, इससे घर सुगंधित रहेगा और घर में पॉजिटिविटी रहेगी। झाड़ू जब भी लगाएं घर में तो मेन द्वार से ही सारा कचरा निकाल दें। इससे क्या होगा कि आपका जो सारा कचरा है वो बाहर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ कचरे को ना लाएं घर में कहीं से भी। पहले की जो हमारी दादी नानियाँ होती थी वो कहा करती थी कि उल्टी झाड़ू कभी नहीं लगानी चाहिए, झाड़ू पूरे घर से जो बाहर कचरा निकल रहा हो वहाँ पर कचरा निकालना चाहिए, अंदर कचरा नहीं लाना चाहिए, नहीं तो घर उल्टा हो जाता है। तो हमेशा बाहर की ओर कचरा निकालें, पूरे घर की झाड़ू देके और बाहर की ओर कचरा निकाल दें। पोछा लगाएं तो आप नमक के पानी का पोछा लगाएं। नमक के पानी का पोछा केवल बृहस्पतिवार को छोड़ दें, बाकी डेली आप नमक के पानी का पोछा लगाएंगी तो घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी और कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे। तो आपका घर एकदम साफ सुथरा भी रहेगा, कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे और पॉजिटिविटी बनी रहेगी, घर में खुशियाँ आएंगी। नमक को हमेशा जब भी हम किचन में घुसें तो एकदम सामने हमें नमक दिखना चाहिए। इससे क्या है कि आपके किचन में नज़र नहीं लगेगी, आपकी किचन में भरमार रहेगी, आपके सामान की, आपकी ग्रॉसरी की हमेशा और नज़र नहीं लगेगी। हेलो फ्रेंड्स, तो आपने अभी छोटी छोटी कई बातें देखी जो मैंने आपको बताई। तो सबसे पहले सुबह उठ के हमें अपने हाथों के दर्शन करने, हथेलियों के दर्शन करने हैं और फिर नहा धो के अपने किचन में जाना है। किचन में हम रात को एक बाल्टी या एक लोटा पानी भर के रख देते हैं तो हमारे घर की सारी नेगेटिविटी चली जाती है। तो उस लोटे भर पानी या बाल्टी के पानी को आप डाल सकती हैं किसी भी पौधे में, लेकिन डालें नहा कर ही। और एक बाल्टी हमें बाथरूम में भर के रखनी है, जिससे हमारे घर की सारी जो नेगेटिविटी है वो उस पानी में चली जाती है। तो उस पानी को भरे रखें हमेशा बाल्टी को, मैं तो हमेशा बाथरूम में बाल्टी भर के रखती हूँ। अच्छा, नमक है तो नमक का जो किचन में हम नमक का जार रखते हैं, तो जैसे ही हम किचन में घुसते हैं वैसे ही हमें नमक का जार दिखना चाहिए, जिससे हमारे किचन में बिल्कुल भी नज़र नहीं लगेगी और हमारे किचन में बरकत बनी रहेगी।
दूसरी बात है कि नमक को मैंने कई बार बताया आपको कि कांच के जार में भर के रखें और उसमें 2 लौंग डाल के रखें, और लौंग टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। तो वो लौंग डाल के ज़रूर रखें तो आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। और थोड़ा सा जो 2 चम्मच नमक है वो किसी भी कांच के प्याले में रख के आप अपने घर का जो द्वार है जहाँ से मेन एंट्री होती है उसके पास ही कहीं छिपा के रखते हैं, किसी को दिखे नहीं, तो वो भी सारी जो नमक है आपकी नेगेटिविटी अपने में ऑब्जर्व कर लेता है, तो उससे भी आपके घर में बरकत बनी रहती है। तो ऐसी जगह पे आप रख सकती हैं। फिटकड़ी का टुकड़ा भी रख सकती हैं आप किसी भी कांच के बर्तन में, फिटकड़ी का टुकड़ा भी ऐसी ही जगह पर रख सकती हैं जहाँ पर किसी को दिखाई नहीं दे। अच्छा, झाड़ू टूट जाती हमारी तो झाड़ू को हाँ शनिवार के दिन आप बाहर निकालें, या आपको बाहर डालनी है, कबाड़ वगैरह है कोई आपके घर का तो वो भी शनिवार को निकालें। दूसरी बात है, जो भी घर का कचरा है वो सीधा बाहर, जो घर से बाहर का रास्ता है ना आपका, उससे ही अपने सारे घर का कचरा बाहर निकालें, कचरे को अंदर ना लाएं। अंदर लाने से होता है कि आपकी लक्ष्मी मतलब गंदगी आती है तो लक्ष्मी नहीं आती आपके घर में, इसलिए अपने घर की गंदगी को बाहर सीधा निकाल दें। और नमक के पानी से आप पोछा लगाएं सारे घर में, तो क्या है कि नमक सारी जो नेगेटिविटी है घर की वो ले लेता है। तो नमक के पानी से पोछा लगाएं, बृहस्पतिवार को नमक के पानी से ना लगाएं, हमेशा आप नमक के पानी से पोछा लगा सकती हैं। ऐसी ही छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है जिससे कि हमारे घर में बरकत बनी रहे, शांति बनी रहे, खुशियाँ आती रहें। तो ये जो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई उसका ज़रूर ध्यान दें और अपने फॉलो करें इन नियमों को, तो आपके घर में ज़रूर खुशियाँ बनी रहेंगी, बरकत होगी और पैसे की कमी कभी भी नहीं रहेगी। तो हर गृहिणी को इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए घर में। जैसे एक दो चीज़ और बताती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब भी हम खाना बनाते हैं और चकले के नीचे जो कोल बन जाता है, तो जैसे ही अपनी रोटियां बन जाएं तो उस गोल को मिटा दें। एक बार आप हम शुरू कर देते हैं दूसरा काम, तो एक बार चकला उठाते ही उस गोल को तोड़ दें, उसका गोला नहीं रहने दें, तो इससे भी आपके बरकत होगी। और चकले बेलन को उसी टाइम धो दें, तवे को ठंडा होने के बाद धोएं, चकले बेलन परात को आप धो दें, आपके मेड आती है तो उससे ना धुलाएं, आप खुद धोएं। और जब भी गैस रात को बंद करें तो उसे ठंडे जब ठंडा करें तो उसे दूध से ठंडा करें, इससे बहुत बरकत होगी आपके घर में। तो इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि आपको किस तरह की वीडियोस पसंद है। तो कमेंट जो बॉक्स होता है उसमें आप कमेंट कर दीजिए कि हमें इस तरह की वीडियो चाहिए, तो मैं आपको जरूर वीडियो बना के दूंगी इस तरह की जिस तरह की आप चाहेंगी। तो वीडियो आज की कैसी लगी जरूर बताइएगा।